फिर से लौटूंगा महफिल में, फिर से लौटूंगा महफिल में, आवाज़ तो वही होगा, आवाज़ तो वही होगा लेकिन किरदार बदल चुका होगा। फिर से लौटूंगा महफिल में, आवाज़ तो वही होगा लेकिन किरदार बदल चुका होगा। बदले बदले से लग रहा है ए श्रीशांत। IPL 2021 में कोई भी टीम में ज़रूर ए श्रीशांत को मौका मिलना चाहिए। फिर दोस्तों अभी भी 38 साल का ए श्रीशांत भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। डोमेस्टिक में सबसे बेहतरीन बॉलिंग का काम ए श्रीशांत कर रहे हैं। उम्र बढ़ गया है बट दोस्तों ए श्रीशांत का बॉलिंग का तकनीक बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। समय के साथ साथ बदल गया है बहुत कुछ। ए श्रीशांत ने अपने वो रफ्तार और वो तकनीक की वजह से सारे फैंस को खुश कर रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आपने बहुत बड़े कारनामा करने के बाद अब विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार मैच में 5-5 विकेट चटकाने के साथ साथ इतिहास रच रहे हैं। 38 साल की उम्र में लोग रिटायर करते नाश करते हैं और ए श्रीशांत एक बार फिर से वापसी का पूरा मूड में नजर आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ए श्रीशांत को अगर आप IPL 2021 का कोई भी एक टीम में खेलते हुए देखना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट में वो टीम का नाम शेयर करिए। अब बताइए चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल्स ना पंजाब किंग्स, इन तीनों टीम से आप कौन सी टीम में ए श्रीशांत को खेलते हुए देखना चाहते हैं। आज दोस्तों डोमेस्टिक में विजय हजारे ट्रॉफी का कई मुकाबला खेला जा रहा है। स्पेशली मेरा नज़र तो ए श्रीशांत के ऊपर रहा था क्योंकि दोस्तों पिछले मैच में उन्होंने 5 विकेट लेकर अपने टीम को विजेता बनाया था केरला और बिहार के बीच में। अभी विजय हजारे ट्रॉफी का महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है, केवल 20 ओवर का मैच अभी तक खत्म हुआ है। तो दोस्तों श्रीशांत ने अभी तक केवल 5 ओवर बॉल किया है। 5 ओवर में उन्होंने 2 मेडन के साथ 24 रन खर्च करते हुए 5 बहुत बड़े बड़े विकेट अपने नाम किया है, जहां पे दोस्तों उन्होंने एस गनी का, उसके बाद राठौर का, उसके बाद विकास रंजन का, आशुतोष अमन का और दोस्तों मेहरूर का भी विकेट अपने नाम किया है। 5 सफलता हासिल किया है। इसमें खास बात यह है उन्होंने 1 ओवर में 3 विकेट भी अपने नाम किया है। दोस्तों ए श्रीशांत ने इस मैच में लाजवाब अपने लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ए श्रीशांत एक बार फिर से IPL में अपने टीम का होके खेलना चाहता है और इसीलिए प्रीति जिंता के पास उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ताकि पंजाब किंग का होके उनको टीम में शामिल किया जाए। ऐसे में दोस्तों IPL अभी भी शुरू होने में कई दिन बाकी है। इससे पहले दोस्तों कई टीम का क्रिकेटर चोटिल भी होगा तो ऑब्वियसली हम हर साल जैसा ही देखते हैं नए क्रिकेटर को मौका मिलते हैं और वो अच्छे प्रदर्शन करके अपनी टीम को विजेता बनाता है। ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट और रिप्लेसमेंट के रूप में ए श्रीशांत का ये फॉर्म हर एक टीम का मैनेजमेंट का नज़र में है। ऑब्वियसली अनकप क्रिकेटर बहुत सारे टीम में अभी शामिल हो सकता है। तो ए श्रीशांत का लाजवाब फॉर्म देखते हुए आपको क्या लगता है IPL का कौन सी टीम का होके ए श्रीशांत को खेलना चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों ये बहुत ही सुंदर प्रदर्शन अगर चलते रहे तो ये भी हो सकता है ए श्रीशांत एक दिन फिर से भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी करें। ज़रूर आप अपना महत्वपूर्ण राय कमेंट करके शेयर करिए कि ए श्रीशांत को भी भारतीय क्रिकेट टीम में फिर से खेलने का मौका करा देना चाहिए, ज़रूर कमेंट में बताइए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें और विजय हजारे ट्रॉफी रिलेटेड हर एक खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।